हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। वीकली देखेंगे कैसा चार्ट परफॉर्म कर रहा है, बाद में हम डेली चार्ट देखेंगे कि डेली चार्ट पे क्या हो रहा है और डेली चार्ट पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो आपको आइडिया आ सके कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। सो आपको क्या है कि ट्रेड लेने में आसानी हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने, कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो अब देखते हैं क्या इसमें सपोर्ट होंगे, क्या इसके रेजिस्टेंस रहेंगे। पहले हम वीकली एनालिसिस करते हैं। तो वीकली हम देख रहे हैं, तो वीकली में आपको हाल फिलहाल एक इंगल्फिंग पैटर्न इधर देखने को मिल रही है, और जो है RSI वो भी क्या है कि ऊपर जाके नीचे जाने का साइन इसने दे दिया है। जो भी RSI का लेवल है हाल फिलहाल 59.75 का है। अगर आप MACD देखते हो तो इसने वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है कि नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं दिया, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो MACD है वो अभी पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा RSI है वो अभी नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। और आपको ग्राफ में एक इंगल्फिंग पैटर्न भी मिल रही है, मतलब बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो हो सकता है जो नेक्स्ट वीक हमारा हो वो आपको एक बियरिश मोड में दिखे। तो ये तो हो गया आपका वीकली एनालिसिस। अब हम क्या है कि डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, क्या इसके सपोर्ट है, क्या इसके रेजिस्टेंस है और क्या वहाँ देखने को मिल रहा है। तो डेली चार्ट को मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया है। तो देखिए आपको पहले क्या देखने को मिलेगा, तो पहले आपको चार्ट में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। नेगेटिव मतलब बियरिश डाइवर्जेंस। उसको क्या है, देखो आपका चार्ट अप जा रहा है, इधर से देखो ये थोड़ा नीचे आकर अप गया, बाद में नीचे अभी स्टार्ट हुआ। तो आपका जो RSI है वो देखो इधर से नीचे आया, बाद में उतना ऊपर नहीं गया, उसके थोड़ा नीचे से ही नीचे स्टार्ट हो गया। मतलब आपका चार्ट अप जा रहा है लेकिन जो आपकी MACD है RSI वो एक नीचे के जोन में जा रहा है। तो मतलब इसको क्या है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं या बियरिश डाइवर्जेंस। तो ये आपको चार्ट में देखने को मिला। तो आपका हो सकता है चार्ट आपको एक नेगेटिव में जो है मंडे से स्टार्ट होके जो नेक्स्ट वीक है वो पूरा नेगेटिव में दिखे। बाद में अगर ये नेगेटिव जाता है तो ये कितना नीचे जा सकता है, तो इसका जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 11,650। ये मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से चार्ट में जाके देख सकते हो, जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो होगा 11,650। अभी ये लेवल क्यों है, तो आप देख रहे इधर इसने एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे गया था, इधर एक बार कंसोलिडेट भी किया था। तो हो सकता है ये इधर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का साइन दे, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि वहाँ ही होगा। अगर वहाँ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है तब आप वहाँ कुछ ले सकते हो। बाद में अगर इसके नीचे जाओ तो जो ये मेरी ब्लैक लाइन देख रहे हो, राइजिंग सपोर्ट लाइन, अगर ये राइजिंग सपोर्ट लाइन पे भी सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब भी हम उसमें बाई साइड आ सकते हैं, मतलब निफ्टी में एक बुलिशनेस देख सकते हैं। उसके बाद की बात करें, अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 11,100 का होगा। जो ये लाइन है ना, ये लाइन, ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो मैंने ये लेवल क्यों लिया, जो 11,100 का लेवल है वो मैंने क्यों लिया, तो आप देख रहे हो जो पिछला अपमूव है वो भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये 11,100 के लेवल से स्टार्ट हुआ था। तो हो सकता है ये नीचे आए फिर से, वहाँ से ये ऊपर जाने का साइन दे। इसके अगर नीचे आता है, जो कि बहुत दूर की बात है, लेकिन एक बात कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत दूर की बात है, हम शायद इसको नेक्स्ट वीक में भी डिस्कस करें, वो लेवल होगा 10,670 का लेवल। अगर ये उस पर भी जाके कोई रिवर्सल साइन देता है तब भी आप निफ्टी में बुलिशनेस मान सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ डाउन ट्रेंड हो चुका होगा। और क्या है कि वहाँ से अगर ऊपर जाने के साइन देता है तो ऑलरेडी निफ्टी आपको एक अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। अगर मैं एडिशनल सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे पास और एक एडिशनल सपोर्ट है, वो ही ये ब्लू कलर की लाइन। जो ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो ये आपका फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची का 50% का लेवल है जो आ रहा है 11,500 पे। तो मेरे को लगता है कि नहीं, ये भी एक लेवल है जहां आपको देखना चाहिए। अगर आपको इसमें कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इधर से निफ्टी बुलिशनेस आ सकता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा उस लेवल के आसपास से प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिले तब की बात है। तो ये हो गया निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो पहले वीकली देख लेते हैं, वीकली क्या हो रहा है। तो वीकली देख रहे हैं तो इधर हमें पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिल रही है,
बाद में हम जो आरएसआई है वो देख लेते, तो आरएसआई में भी एक हल्का सा नीचे की ओर झुकाव आ चुका है। अभी हाल फिलहाल आरएसआई 60.33 पे है। बाद में अगर एमएससीडी की बात करें तो इसमें नेगेटिव क्रॉस ओवर आपको देखने को नहीं मिला है। अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि इसमें क्या आपके सपोर्ट रहेंगे, क्या इसके रेजिस्टेंस रहे, तो आपको क्या एक एक ट्रेड लेने में आसानी है। तो इसको मैं डेली पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो हम डेली पे जब आ जाते तब इस दर हम देखते तो इधर भी एक आपको क्या है कि नीचे की साइड जाता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। तो इसमें मेरा पहला सपोर्ट कौन सा होगा? जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो 30,650 के आसपास होगा। वो क्यों होगा कि आप देख रहे हो कि इधर से ये क्या है कि एक नीचे गया था, मतलब ये रेजिस्टेंस था इसका, तो वही रेजिस्टेंस हाल फिलहाल आगे जाके ये सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो इसके नीचे आपको दूसरा सपोर्ट मिलेगा 28,500। अगर ये आपको 28,500 में कोई क्या है कि रिवर्सल साइन दे के ऊपर जाने का बताता है, तब आप वहाँ बाई कर सकते हो बैंक निफ्टी में। अगर आप देखें तो ये अगर ये राइजिंग सपोर्ट लाइन पे भी हमें क्या है कि कोई बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी देता है, तब भी हम इसमें बाइंग आ सकते हैं। अगर ये 28,500 को ब्रेक करके नीचे चला गया, जो कि बहुत दूर की बात है, लेकिन एक डिस्कस कर लेते हैं, नहीं चलो इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया, तो उसके बाद का जो लेवल आएगा वो 27,600 का लेवल आएगा। अगर ये 27,600 पे भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देता है, तब भी आप बैंक निफ्टी में बुलिश आ सकते हो। बाद में इसके नीचे का लेवल बहुत दूर की बात है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाद में हम देख रहे तो एक मेरे को फिबोनाची रेशियो इसमें भी मिल रहा है। जो फिबोनाची रेशियो मेरे को मिल रहा है वो 29,900 पे मिल रहा है। तो ये भी एक लेवल है जहाँ से आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। बाद में रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हाल फिलहाल का हाई था वही हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। जो 32,150 का लेवल है वो हमारे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा इन फ्यूचर। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको इसमें से कोई भी लेवल पे कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आप इसमें बाई या सेल कर सकते हैं। तो जो मेरा व्यू है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक का, वो शायद आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों जो मंडे से लेके फ्राइडे तक है नेक्स्ट वीक पूरा आपको क्या है कि एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिले। पूरा डाउन ट्रेंड मतलब जो मेजर ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड रहेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप वन वीक पे निफ्टी पे देख रहे हो तो वहाँ इंगल्फिंग पैटर्न बनी हुई है, बाद में आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो वहाँ आपको पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट होते हैं जहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका बियरिश वीक रहे, तो आपको ऐसे आगे प्रिपेयर होकर जाना है। बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास कुछ आपको हलचल मिलती है, रिवर्सल मिलता है, तब आप वहाँ से बाय साइड भी आ सकते हो। तो ये हो गया हमारी ओर से छोटा सा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि एक इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे हैं, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने, कुछ नॉलेज लेना, तो सिंपल सा तरीका आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।